IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम य से यशोदा। नमस्ते 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 नमस्ते। सब कहानी के लिए तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सुनाऊंगा सुनाऊंगा। लेकिन भाई कहानी सुनने से पहले ये बताओ, तुम्हें खेलना कूदना भागना दौड़ना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। हम तो रोज पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। भैया मैं स्कूल की कबड्डी टीम में हूँ। क्या बात है, वाह शाबाश। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। भैया भैया मैंने गोल्ड मेडल जीता है। अरे वाह क्या बात है, बजाओ इसी बात पर जोरदार तालियां, शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर तुमसे ये कह दिया जाए कि खेलना कूदना एकदम बंद। भैया ये तो बहुत बुरी बात होगी। हाँ, ये तो है बुरी बात। मम्मी कहती है कि अगर हम लोग भाग दौड़ नहीं करेंगे तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ, खाना हजम नहीं होगा। अगर हम नहीं खेलेंगे तो बीमार हो जाएंगे। हाँ, भैया तो है, मोटे हो जाएंगे, वो तो निकल आएगी हमारी। हाँ? आलसी हो जाएंगे। आलसी हो जाएंगे, सही कहा सोफिया। भैया कहानी कब सुनाओगे? अरे अभी लो। तो भाई आज की मेरी कहानी का अक्षर है य, और कहानी है य से यशोदा। य से यशोदा, शाबाश। तो सुनो बच्चों, यशोदा एक बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, बड़ी समझदार, बिल्कुल सोफिया जैसी। हाँ तो बच्चों, यशोदा यामनगर में रहती थी। य से यामनगर। अच्छा यामनगर का जो युवराज था ना, वो भी यशोदा की तरह बहुत ही प्यारा, बहुत ही भला था। या से युवराज। हाँ शाबाश, या से युवराज, या से यशोदा, और या से यामनगर। बजा ताली, शाबाश। तो बच्चों यामनगर में सब लोग बहुत खुश थे, चारों तरफ सुख शांति थी, ना कोई लड़ता ना कोई झगड़ता। यामनगर में सभी लोग आपस में दोस्त थे। आसपास के जितने पड़ोसी राज्य थे ना, वो सब यामनगर के दोस्त थे, यानी मित्र थे। वो युद्ध भी नहीं करते थे। अच्छा युद्ध समझते हो ना क्या होता है युद्ध? भैया लक्ष्मी बाई ने भी युद्ध किया था। अच्छा? हाँ मेरी किताब में कहानी है। अरे वाह क्या बात है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भैया मैंने पिक्चर में देखा, तलवारों से लड़ाई होती, लड़ाई होती है बंदूकों से, मिसाइल। वाह 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 क्या बात है। हाँ। भैया यसे युद्ध, यसे युद्ध, भैया यसे यशोदा, यसे यशोदा, यसे यामनगर, यसे यामनगर। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो बच्चों सारे लोग यामनगर में बहुत सुखी थे, खूब खाते पीते, आराम से रहते, मस्ती करते, खाते रहते और सोते रहते, लेटे रहते। हाँ बिल्कुल, ढेर सारा खाना खाते। हाँ। और जूस पीते रहते। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और दो भाई मुझे और दो। हाँ मैं भी भूखा हूँ। लो भाई तुम भी लो। अब मुझे तो नींद आ रही है, मेरा तो पेट भर गया, अब मैं सोऊंगा। अरे काम हम नहीं करेगा? अरे कुछ काम नहीं करेंगे भैया, आराम करेंगे। अब खा लिया, अब आराम करते हैं। चलो भाई चलो, आओ आओ। हाँ खूब खाते पीते, आराम से रहते, मस्ती करते। यहाँ तक कि दूर दूर से लोग यात्रा करके यामनगर में आते और यात्री यहाँ आकर ठहरते। यासे यात्री और यासे यशोदा, यासे यशोदा, और यासे यहाँ, यासे यात्रा, यासे युवराज, यासे युवराज, यासे ये, यासे यहाँ, यासे यहाँ। मैं भी यामनगर में खाऊंगा पीऊंगा। अच्छा, यानी तुम यामनगर इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पे सब खाते पीते थे, है ना? काम हम कुछ नहीं करते थे ना, इसीलिए ना। भैया यासे याम, यासे याम, यासे यज्ञ, यज्ञ। हाँ यासे यो यो। हाँ तो बच्चो पता है तब ना स्कूटर बस टैक्सी जैसा कोई यातायात का साधन नहीं था, फिर भी दूर दूर से यात्री यामनगर में आते थे। वो पैदल आते थे। हाँ पैदल या आते वो थे, पानी की बोट में आते और थे, डुबकी लगा के भी आ सकते थे। डुबकी लगाकर तैर कर आते थे, बैलगाड़ी में आते थे, बैलगाड़ी में आते थे। वाह क्या बात है, घोड़े पर भी आते थे,
घोड़ा गाड़ी में आते थे। हाँ बिल्कुल सही कहा। चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े याम नगर, तू चल मेरे घोड़े। याम नगर घोड़े की ब्रेक सुनी अभी आपने? हैं निशाने लगाई ना ब्रेक? लगा दी ब्रेक। उतरो उतरो, याम नगर आ गया, उतरो। याम नगर आ गया, आ गया, जल्दी उतरो जल्दी उतरो। अरे भैया, अरे लाओ भैया मेरा वो थैला तो लाओ। हाँ ले लो। अरे मेरा झोला लाओ भैया। हाँ ले लो ले लो। हाँ मेरा भी ले लो। हाँ तो बच्चों अब हम यामनगर पहुंच गए। तो पता है यामनगर का युवराज बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि सब लोग सुखी थे, कोई दुखी था ही नहीं। लेकिन पता है क्या, युवराज रात को भेष बदलकर यामनगर में घूमा करता। लेकिन वो बच्चों एक बात से परेशान था। भाई बात ये थी बच्चों कि यामनगर के लोग सुखी तो थे पर कमजोर भी थे। युवराज को समझ ही नहीं आता था कि सारे युवक और युवतियां कमजोर क्यों हैं, लड़के लड़कियां कमजोर क्यों हैं। तो यह से यामनगर, यामनगर यह से युवक, यह से युवतियां, यह से युवतियां। शाबाश बिल्कुल सही। यह से युवराज बिल्कुल सही कहा तुमने। या से यश, या से यश, अरे यश। हाँ तो बच्चों नौजवान हृष्टपुष्ट लोग, सेहतमंद लोग तो बहुत चुस्त होते हैं ना, भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं। लेकिन यामनगर के लोग चुस्त नहीं थे। हाँ लेकिन यामनगर के लोग चुस्त नहीं थे तो युवराज बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया वो। अच्छा क्यों हो गया दुखी बताओ? सब लोग कमजोर थे। शाबाश। सब लोग मरियल थे। सब लोग मरियल थे। उनसे कुछ काम नहीं हो पाता था। उनसे कुछ काम ही नहीं हो पाता था। वो बस थके रहते थे। बस थके थके से रहते थे। और आराम करते थे। और वो खाते पीते रहते थे। खाते पीते रहते थे। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। तो बच्चों युवराज परेशान हो गया। तब उसने दरबार लगाया और सबको बुलाया। सारे मंत्री, सारी जनता आई। हाँ अरे भैया आ जाओ युवराज जी बुलाए, चलो भाई चलो। अरे भैया लल्लू, अरे भैया पल्लू, अरे जल्दी, अरे भैया पप्पू शप्पू जब आ जाओ जब आ जाओ। हुआ क्या? अरे भैया चलो, अरे राजमहल बुलाया है। अरे किसने बुलाया? अरे युवराज जी बुलाया है, युवराज जी। अच्छा अरे खाना पीना मिलेगा? अरे खाना पीना मिलेगा, युवराज ने उनको क्यों बुलाया था? अरे यही तो राज की बात थी, देखते हैं क्यों बुलाया युवराज ने उन्हें। है तो राजा ने दरबार लगाया और सबको बुलाया। सारी जनता, सारे मंत्री उपस्थित हुए। तब युवराज ने कहा, कोई ऐसा प्लान बनाओ, कोई ऐसी योजना बनाओ और मुझे बताओ जिससे सब लोग स्वस्थ हो सकें, सेहतमंद हो सकें, हृष्ट पुष्ट हो सकें, ताकतवर हो सकें, शक्तिशाली बन सकें। तो राजा ने बोला, मेरे पास इसका एक्सपेरिमेंट है। अच्छा वेजिटेबल्स खाओ। अरे वाह सब्जियां खाओ, हृष्ट पुष्ट हो जाओगे। हाँ तो बच्चों दरबार लगा हुआ है, सारे मंत्री सारी जनता बैठी है और युवराज कुछ कहने लगे हैं। हाँ तो कोई ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी योजना बनाओ और मुझे बताओ जिससे मेरी प्रजा स्वस्थ हो सके और शक्तिशाली बन सके। तो यह से युवराज, यह से योजना, यह से यामनगर। हाँ बच्चों वहां दरबार में एक धूर्त आदमी, ढोंगी आदमी भी बैठा था। कौन था भैया वो? उसने ना एक साधु जैसा
योगी जैसा रूप बना रखा था। उसने दाढ़ी लगा रखी थी। सफेद दाढ़ी। भैया उसने मूछ लगा रखी थी। उसके लंबे कपड़े थे। वाह। उसके हाथ में माला थी। बिल्कुल योगी की तरह था। योगी था वो। और गले में भी। और गले में भी माला थी। गले में भी माला, हाथ में भी माला, माथे पे टीका था, माथे पर तिलक था, उसका मोटा पेट था। हाँ, उसका भेष तो योगी का था पर वो था ढोंगी। उसके हाथ में अंगूठी थी। हाँ, अंगूठी थी, बहुत सारी अंगूठियाँ थी। उसके हाथ में चार अंगूठी थी। और वो डरावना दिखता था। हाँ, बहुत भयानक दिखाई देता था, डरावना दिखता था। और पता है उसके लंबे दांत थे। हाँ, दांत भी, हाँ लंबे होंगे। हाँ, तो पता है आगे क्या हुआ? वो योगी जिसने योगी का रूप बना रखा था लेकिन असल में जो ढोंगी था, वो युवराज से बोला। युवराज? हाँ, बोलो। युवराज, तुम्हें यज्ञ करना होगा। यज्ञ करने से तुम्हारी जनता सेहतमंद हो जाएगी। तुम्हें यश मिलेगा युवराज, यश मिलेगा। बस यदि तुम ढेर सारा धन मुझे दे दो तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी युवराज। हाँ, ढेर सारे पैसे दे दो, ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दो, ढेर सारे सोना दे दो, ढेर सारे सोने के बिस्किट दे दो, ढेर सारा रुपया दे दो, सब दे दो। हाँ, हीरे जवाहरात पन्ना सब दे दो, डायमंड दे दो। तो य से योगी और य से यज्ञ। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि यज्ञ क्या होता है? वो पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते हैं पंडित जी करते हैं। हवन होता है शादी में। हाँ, हवन होता है शादी में। और वो पूजा पाठ में भी होता है। पूजा पाठ में भी होता है। भाग में बहुत सारी चीजें डालते हैं। हाँ, शाबाश। घी डालते हैं। और पंडित जी मंत्र भी पढ़ते हैं। हाँ, पंडित जी मंत्र भी पढ़ते हैं। वो गोल गोल घूम के फेरे होते हैं। वाह वाह वाह, शाबाश। तो भाई, अब मुझे पता लग गया कि आपको पता है कि यज्ञ क्या होता है। शाबाश। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि जो योगी था यानी जो ढोंगी था, हाँ तो ये बताओ बच्चों, जो वो ढोंगी योगी था, क्या वो सच बोल रहा था? झूठ बोल रहा था। शाबाश। वो चोर था। शाबाश। चोरी करने के लिए आया था। हाँ, और वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा था, वो लूट रहा था। हाँ, तो या से योगी, या से योगा, या से यंत्र। अरे वाह वाह वाह। या से युवराज, या से युवराज, या से याद, या से याद। क्या बात है? या से यातायात, या से यातायात, या से यमराज, यमराज। हाँ, तो बच्चों वही दरबार में बैठी थी यशोदा। यशोदा। शाबाश। या से यशोदा। वो युवराज से बोली, युवराज योगी की योजना तो बेकार है किंतु मेरी योजना अच्छी भी है और सस्ती भी है। वो ऐसा काम करेगी युवराज कि लोग याद करेंगे। या से याद, या से योजना, या से योजना, या से याद। शाबाश। हाँ बच्चों, तो फिर ऐसी बात है यशोदा, तो बताओ यशोदा तुम्हारी योजना क्या है? यशोदा बोली, देखो युवराज, यामनगर में सभी लोग इतने खुश इतने सुखी हैं। सुनो बच्चों, यशोदा बोली, देखो युवराज, यामनगर में सभी लोग इतने खुश इतने सुखी हैं कि कोई मेहनत ही नहीं करता, बस यहाँ वहां बैठे रहते हैं। इस तरह कोई स्वस्थ भला कैसे रह सकता है? भैया वो खाते पीते रहते हैं। हाँ, खाते पीते रहते हैं। काम ही नहीं करते। काम ही नहीं करते, बिल्कुल। पढ़ाई भी नहीं करते। अरे पढ़ाई क्या करेंगे? जो आलसी बहुत है, बहुत आलसी है, बहुत ही ज्यादा आलसी। हिलने का भी मन नहीं करता, बिल्कुल। हाँ, तो युवराज ने पूछा, तो यशोदा बताओ हम क्या करें? यशोदा बोली, युवराज आप सबको योग करना सिखाओ, खेल कूद भाग दौड़ की प्रतियोगिताएं करवाओ, यज्ञ से नहीं योग से, कसरत से, व्यायाम से सब स्वस्थ हो जाएंगे युवराज। तब कोई आलसी नहीं रहेगा,
कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा युवराज। हाँ, या से योगासन, या से योगासन, या से यज्ञ और या से यज्ञ। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे। या से योगी के साथ। हाँ, बिल्कुल आएगा फ्री। तो बच्चों, यामनगर के सभी लोगों को कसरत, योग और खेल कूद क्यों जरूरी है ये समझ में आ गया। इसलिए बच्चों, सबने कसरत करना, योगासन करना, खेल कूद में भाग लेना, भागना दौड़ना सब शुरू कर दिया। और हाँ, जो खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती है ना, उसमें अब यामनगर फर्स्ट आने लगा, यानी अव्वल आने लगा, ट्रॉफी जीतने लगा। अरे वाह, ट्रॉफी जीतने लगा, अरे वाह, इनाम जीतने लगा, क्या बात है। सिल्वर मेडल जीतने लगा, सिल्वर मेडल भी जीतने लगा, गोल्ड मेडल भी जीतने लगा, यानी सभी पदक जीतने लग गया। सब फिट हो गए, सब स्वस्थ हो गए, सब भागने दौड़ने लगे, अब कोई आलसी नहीं रहा। वाह शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, काम करने लग गए। हाँ, कोई बीमारी नहीं पड़ता, कोई सोता, ज्यादा सोता भी नहीं था। हाँ, कोई ज्यादा सोता नहीं था, बीमार नहीं पड़ता था। हाँ, पढ़ने लिखने लग गए थे। हाँ, योगासन करने लग गए थे। सब उठाते भी थे। हाँ, उठाते थे सामान, रखते थे, मदद करते थे और दूसरों की मदद भी करते थे। शाबाश, बिल्कुल सही। इस तरह से वो कसरत करने लगे, योगासन करने लगे, योगाभ्यास करने लगे और इस तरह से खेलने कूदने से उनकी सेहत अच्छी हो गई, वो स्वस्थ हो गए। अब यामनगर यानी या से यामनगर के लोगों की सेहत फिर लौट आई। या से योगा, शाबाश, या से युवराज। हाँ शाबाश, या से यशोदा, या से योगी, या से योजना, युवक, या से याद, या से यज्ञ, या से यश और या से योगा। शाबाश भैया, या से यशोदा, या से यशोदा, शाबाश, या से यशोदा और या से यशोदा सबकी प्यारी बन गई। एक थी नगरी यामनगर, सुख से रहते सब लोग यहाँ। यातायात नहीं था फिर भी यात्री आते सदा यहाँ। या से यामनगर यात्री, या से यातायात यहाँ। देश बदल कर यामनगर में घूमा करता था युवराज, समझ न पाता क्यों कमजोर है युवक युवतियां और समाज। या से होता युवक युवतियां, या से होता है युवराज। फिर दरबार लगा, युवराज ने कहा, बनाओ एक योजना कैसे स्वस्थ हो यामनगर के लोग, कैसे स्वस्थ हो यामनगर के लोग। हमें है यही सोचना, हमें है यही सोचना। या से होता यामनगर युवराज, यही और या से योजना। करो तो यश मिलेगा, बोला उठकर झूठा योगी, मुझको धन दे दो युवराज, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जी स्वामी जी। यह से होता यज्ञ और यश, यह से तो होता है योगी। उठी यशोदा बोली, योगी की योजना है बेकार, मेरी योजना सस्ती लेकिन काम करेगी यादगार। या से होता योगी योजना, या से यशोदा यादगार। सुख इतना है कि कोई मेहनत भी करता नहीं यहाँ, यूं ही यहाँ वहाँ बैठे तो स्वस्थ रहेंगे लोग कहाँ। या से तो है यूं और यह से होता है यहाँ। यज्ञ नहीं योगासन से ही बात बने इस युग में आज, खेल कूद और भाग दौड़ की हो प्रति
प्रतियोगिता भी युवराज। सही कहा। यासे यज्ञ यासे युग योगासन यासे है युवराज। क्यों जरूरी मेहनत कसरत अब समझिए सबको आया, यामनगर अब सबसे ऊपर खेल कूद में अव्वल आया। यासे यामनगर में से हट लौट के आई फिर एक बार, यासे यशोदा ने मन जीता जीत लिया था सबका प्यार, जीत लिया था सबका प्यार, जीत लिया था सबका प्यार। या से यशोदा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार नमन, निशांत, लवीश, सोफिया, चारू, नीरू और हरियक्ष, संगीतकार राकेश पंडित, गायन स्वर चित्राली गोस्वामी, प्रत्यय रक्षित, मेघा और आभा, ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम, आलेख गीत निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।